अवता भुवी ननान कश्चिन मनोहरति नाथ भवान प्रेपी। हे स्वामी, मैंने आपके दर्शन करने से पहले हरिहर आदि सरागी देवों को देख लिया। यह अच्छा ही किया, क्योंकि उन्हें देखने के बाद आपकी वीतराग मुद्रा के प्रति हृदय श्रद्धा से पूर्ण संतुष्ट हो गया है। किंतु आपको देखने के बाद मेरा मन अब अन्यत्र संतुष्ट नहीं हो सकता, अर्थात संसार में आपसे बढ़कर परम शांत मूर्ति वीतराग देव अन्य कोई नहीं है, आप ही सर्वोत्कृष्ट हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदं शुजालम्। जिस प्रकार सभी दिशाएं असंख्य तारा नक्षत्रों को धारण करती हैं, परंतु अद्भुत प्रकाशमान सूर्य को तो केवल पूर्व दिशा ही प्रकट करती है, उसी प्रकार संसार में अनेकों स्त्रियां पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु आपके समान महाप्रतापी पुत्र रत्न को तो सिर्फ एक ही माता ने जन्म दिया, अर्थात अन्य कोई दूसरा आपके समान नहीं है। त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्य वर्णममलं तमस परस्ता त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। हे मुनिजन के आराध्य, सभी मुनिजन आपको तेजोमय परम पुरुष मानते हैं। आप राग द्वेष के मन से रहित अज्ञान अंधकार से सर्वथा दूर होने से सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आपके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुगमन कर अंतःकरण की शुद्धि होने पर साधक आपके दर्शन करके मृत्यु को भी जीत लेता है। प्रभु, आपकी भक्ति निश्चित रूप में शिवपद अर्थात मुक्ति का मंगल मार्ग है। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त्यमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त। हे प्रभु, अनेक साधकों ने आपकी स्तुति की है। आप विभु ज्ञान दृष्टि से सर्वव्याप्त हो, योगीश्वर योगियों के भी आराध्य हो, आप अचिंत्य मन की चिंतन धारा से भी परे हो, विदित योग आप योग मार्ग के ज्ञाता हो, असंख्य
आपके गुणों की गणना नहीं हो सकती। अनेक हो, भक्तों के हृदय में नाना रूप में आप विराजमान हो। आदि पुरुष, आप धर्म की आदि करने वाले हो। एक हो, आपके समान अन्य कोई नहीं है। आप ब्रह्म आनंदमय हो, ज्ञानमय हो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो। आप ईश्वर आत्म ऐश्वर्य से संपन्न हो। अमल हो, काम क्रोध आदि विकारों से रहित हो। आप अनंत, आपके ज्ञान दर्शन आदि गुणों का पार नहीं है।